वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज। मैं हाँ तुहाडी होस्ट अनिल मुकुर। मैं टीवी 84 दे सारे दर्शकों ते श्रोतियां नूं जी आया कहिंदियां प्रोग्राम सचो सच विच जिहड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तों जुड़ चुके ने। खालसा नूं फिर सेंटर दे संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जुलसाना ही तरह साडे नाल स्टूडियो विच हाजिर ने। आओ उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तों उन्हां दा तजिया जानते हां। जी डॉक्टर साहब वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे टीवी 84 दे बहुत प्यारे प्यारे दर्शकों नू भी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ते साडे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आयां नू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब अज 9 जून 2025 हाड़ नानक शाही संबत 552 का दिन है ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करन तो पहला असीं अपने दर्शकां ते श्रोतियां नू हमेशा तरां दस दईए व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पहरा दिंदा एक एक चैनल टीवी 84 नूं देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल आरसीएन केबल बेलफाब केबल इन कैनेडा रोकू जादू बॉक्स शावा फेसबुक टीवी 84 दी ऐप राहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड आईपी बॉक्स से तुसीं टीवी 84 नूं देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं टीवी 84 नाल जां प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राहीं जुड़े हो तो इस नूं वध तों वध लाइक करो तो शेयर करो और नाल ही यूट्यूब पर सबसक्राइब भी करो। ये भी दस दिए कि तुसीं टीवी 84 दी ऐप नूं एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर से डाउनलोड करके जो टीवी 84 दी लाइव स्ट्रीम है उसनों तुसी 24 आवर्स देख सकते हो। व्यूअर्स हुण असीं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं अज्ज दे पहले अहम इशू दे नाल। सो पहले अहम इशू की हैडलाइन है कि जो चीन बिना जितया ही सॉरी चीन बिना लड़िया ही जितया भारत का नुकसान LAC ते 1 किलोमीटर पिछे हटना पिया। सो जिस तरह के चीन और भारत में हुण फौजी तनातनी घटी है अते टकराव नूं अगों घटाउण लई दोवें पासे दीआं जो फौजां नूं पिछे हटाउण दा जो अमल है वह जारी है। माहरां वल्लों इह कहा जा रहा है कि चीन ने इस टकराव विच बिना लड़े बहुत सारा जो इलाका है वह अपने हिस्से वल कर लिया है। सो इस उपर विचार चर्चा होगी और नाल ही जो COVID-19 की जो अपडेट है वह आपां डॉक्टर कोलोना दी जुबानी जाणांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल स्टार्टिंग तों लै के एंड तक जुड़े रहना देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी राज साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो इस मुद्दे ते गल करन तों पहलां असीं पहलां तां उहनां सारे ही दर्शकां दा और दुनिया भर च बैठे होर भी जिहड़े रैगूलर टीवी 84 नहीं भी वॉच करदे कल जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैंकुट हॉल दे विच कीती गई खास तौर पर जिहदे विच भारत नूं एक टैररिस्ट स्टेट डिकलेयर किया गया और मोदी अमित शाह और दूसरे जिहड़े उन्हां दे करोनी ने उन्हां नूं भी टैररिस्ट डिकलेयर किया गया। ये कोई नवीं गल नहीं सी, जिवें कल दे प्रोग्राम च मैं कहा कि ये मोदी नूं तां 12 साल 2002 तो 2014 तक अमरीका समेत पछमी मुल्कां ने टैररिस्ट डिकलेयर किया। सो ये बड़ी सफल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि इहदी कवरेज बड़ी वाइड हुई है और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोगों ने इस नूं लाइव भी साडी टीवी 84 दी टीम पास्ट मिडनाइट तक जागती रही। शुरुआत 9:30 की बजाय 10:15 होया जिवें साडे सारे उस खिते की टाइमिंग है उहदे च कुछ रुकावटां भी हुंदियां ने लेकिन मैं समझदा कि ये डायस्पोरा सिखां वल्लों बड़ा स्ट्रोंग मैसेज इंडियन स्टेट नूं गया है कि तुसीं साडे पोलिटिकल एक्टिविस्ट नूं जिहड़े UN चार्टर दे थल्ले इंटरनेशनल लॉ दे एम्बिट च रहिंदे आ राइट ऑफ सैल्फ डिटरमीनेशन दा हक मंगदे ने स्वै चोण दा हक मंगदे ने तुसीं उहनां नूं दहशतगर्द ऐलान रहे हो तो हुण असी भी तुहाडे नाल उवें ही बिहेव करांगे जिवें एक दहशतगर्दां दे नाल कीता जांदा है। तुहाडे लई गुरद्वारे और दूसरे तो बंद है ही ने उहनूं अगों असी एनफोर्स करांगे और जिहड़ा भी कोई तुहाडा करिंदा ईवन पोलिटिकल पार्टी दा है उहनां नूं भी असी कल्ला बाइकॉट नहीं। मैं तां इह जिहड़े वॉर क्रिमिनल ने मैं समझदा भी ये टैररिस्ट तो है ही ने लेकिन जिहड़े इहनां ने वॉर क्राइम कमिट कीते ने पंजाब दे विच सिखां दे खिलाफ कश्मीर च कश्मीरियां दे खिलाफ अज भी बराबर जारी ने। असीं चौथे सैगमेंट च गलबात करांगे कि किवें कश्मीरियां ने जदों के बुरहान वानी दी कल 8 जुलाई नूं जिहड़ी है बरसी सी उहनां दी शहादत नूं 4 साल हो चुके ने किवें कश्मीर वादी मुकम्मल तौर ते बंद रही और ये मैसेज दित्ता भारत दे हाकमां नूं कि तुहाडे जबर और जुलम दे सामने लोक झुके नहीं ने और वो अपनी आज़ादी दे लई लगातारता नाल निरंतर
जिहड़ा अपना संघर्ष अपनी जदोजहद उन्हें जारी रख रहे हैं। और मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोट किया कि जिहड़े वॉर क्रिमिनल्स होंदे ने इन्हां दे नाल इवें ही सलूक किया जाएगा। जिवें मैं कहा कि भाई एक गल याद रखो, अज तुसीं समझदे हो कि तुसीं ताकत दे जोर नाल साडे दर्जना नौजवान उन्हां नूं तुसीं पंजाब चों चुक्या होया, लगातारता दे नाल रेड हो रहे ने घरां दे विच, बेगुनाह बच्चियां नूं चुक्या जा रहा है। पर ये वॉर क्रिमिनल्स नूं वी असीं इह मैसेज दिंदे हां कि तुसीं जरा आओ सही किसे पासे, वी विल चेज यू, विल फाइंड यू, विल एक्सट्राडाइट यू टू खालिस्तान, ट्राई यू एंड हैंग यू। असीं तुहानूं मुआफ नहीं करांगे। सो असीं उन्हां सब वीरां भैणां दा शुक्रिया अदा करदे हां। अज बहुत सारियां कॉलां भी आईयां परसनली जिन्हां ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं एप्रीशिएट कीता। और दूसरा मैं एक जिहड़ी है कल असीं चौथा सैगमेंट खास तौर पर किया सी कि किवें थर्ड सैगमेंट सी शायद कि साडे बड़े ही माणयोग MPA सिमाबिया ताहिर जी जिन्हां ने गुरु नानक साहब के नाँ ते बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का बिल पंजाब जिहड़ा असैम्बली दे विच पेश कीता, पास कीता, उन्होंने उस तो पहला भी एफर्ट किए ने और असी उन्हों का शुक्रिया भी अदा किया सी सिमाबिया ताहिर जी का। और उदे च मेरे तो समहाउ ये किवें मेरे माइंड सी, मैं कहा कि भी वो COVID-19 नाल सफ़र कर रहे हैं इस करके वो अपना वीडियो मैसेज नहीं भेज सके। हालां बाद दे विच मैनू प्रोग्राम दे खत्म हुंदे आए सुखजिंदर सिंह बाजवा और ने करैक्ट किया, उन्होंने कहा कि भी उन्होंने उस हल्के दे विच और दूसरे च भी काफ़ी वड्डी गिणती दे विच क्योंकि सारे ही साउथ एशिया इस वेले इंडिया पाकिस्तान च केसिस ने और वो बहुत सारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तामीरदारी जां उन्हां दी देखभाल च लगे हुए ने, इसलिए उन्होंने असी ऑडियो मैसेज नूं जिहड़ा उन्होंने भेजा सी उस नूं असी प्ले किया। सो असी एक करेक्शन करना चाहते हैं कि भी वो रब की रहमत नाल बिल्कुल हाँ तंदुरुस्त ने, हेल एंड हार्टी ने और असी इस गलती की माफ़ी चाहते हैं। इस तो पहला कि जिमें तुसी टॉपिक डिफाइन किया कि गल जित समाइल ते हारिया होया बंदे दा जो हाल हुंदा है उहदे तां कोई शक नहीं है कि ये तुसी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय देख लो कि भी इस सारे दे विच्चों भारत का की इमेज उभरिया, पर जे फिर भी वो बेशर्म इस हार नूं जित कहिंदे ने जां मोदी दे मूहों जिहड़ा चीन लफज निकलदा ही नहीं है तो ये इन्हां दी औकात नूं होर अगों दसदा है। पर यह गल करन तों पहलां जिहड़ियां दो खबरां मैं पासिंग रैफरेंस शेयर करना चाहुंदा नेपाल, हालां नेपाल दे विच किस अंदाज च दखल अंदाजी कर रहे ने। अज ही सुब्रमणियम स्वामी जिहड़ा इन्हां दा हिंदू तवियां दा आइडियालॉग है वह किसी वड्डे TV चैनल नूं इंटरव्यू दे रहा सी ते नेपाल दे हवाले उन्हें कहा जी बंगलादेश भी साडे हथों गया, दूसरे भी गया, नेपाल च कहिंदा कि भी असीं कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल ओली इज़ अराउंड। मतलब यह है कि जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ओली शर्मा जिन्हें बड़ा डट के स्टैंड लिया इंडिया के खिलाफ, 3 इलाके जिहड़े भारत ने अपने कब्जे च कीते ने नेपाल दे, उन्होंने अपने मैप शो किए और हुण इन्हां दीआं एजेंसियां उन्हूं हटाण ते लगियां हुई हैं। और विद इन कम्युनिस्ट पार्टी जिहड़ियां खबरां ने कि जी हुण मीटिंग मंडे होनी सी फिर बुधवार हो गई फिर हुण फ्राइडे कर दित्ती है, क्योंकि हर हालत च इंडिया दीआं इंटैलीजेंस एजेंसियां उत्थे पूरा जोर ला रही ने कि प्राइम मिनिस्टर ओली नूं कम्युनिस्ट पार्टी दे उस अहुदे तों उन्हां दी जिहड़ी इंटरनल पॉलिट ब्यूरो जां जो भी उन्हां दा सिस्टम है उहदे चों उन्हूं रिजाइन करन ते मजबूर किया जाए। और सुब्रमणियम स्वामी जां उन्हां दा कहना इस तों जाहर है जिहड़ा नेपाल लगातारता नाल कह रहा है कि भारत साडे मामलियां च इंटरफेरेंस करदा है, वह सब सबूत है सामने कि हुण इन्हां नूं इह गल पच ही नहीं रही कि नेपाल क्यों इंडिपेंडेंट लाइन उन्हें लैनी शुरू की है और साडा पिछलग बन के क्यों नहीं रह रहे। और इस सारे च मिस्टर ओली दे खिलाफ जिहड़ा प्रोपेगेंडा करन च भारत दे सारे TV चैनल जिहड़े बिल्कुल गोदी मीडिया जिन्हों कहिंदे ने हिंदू तवी चैनल और टाइम्स नाओ होए, रिपब्लिक होए और तुसी यू नेम इट 900 चैनल ने आलमोस्ट सारे ही इन्हां दा राग अलापते ने। और नेपाल सरकार ने एक सख्त फैसला इस दे उत्ते लिया है और इन्हां दीआं एजेंसियां दी खबर है नेपाल स्टॉप्स ट्रांसमिशन ऑफ इंडियाज़ न्यूज़ चैनल्स, दूरदर्शन रिमेन्स ऑन एयर,
द डिवेलपमेंट कम्स आफ्टर सम इंडियन चैनल्स एयर्ड रिपोर्ट्स क्रिटिकल ऑफ पीएम केपी शर्मा ओली। उन्होंने सारे ही चैनल बंद कर दूरदर्शन नहीं किया क्योंकि वो ये इमीडिएट नहीं चाहते कि भाई भारत को यह बहाना मिले कि जी असी भी संबंध तोड़ रहे हैं जेडे हालां भारत बहुत उन्होंने पी रहा बहरों अंदरों लगा हुआ साजिशा कर। पर मैं समझदा भी ये पहली बार इस लैवल से पाकिस्तान के नाल जो इंडिया का टिट फॉर टैट रहा है उदों कुछ मौके हुए भी उन्होंने उन्होंने बैन किए ज पहली बार होएगा कि भारत के नेबरहुड चो भी नेपाल वर्गा मुल्क जिन्हों भारत जेड़ा अपना बैकयार्ड समझदा सी उन्होंने डेयरिंग फैसला किया कि भारत के सारे टीवी चैनल जड़े ने वो नेपाल दे विच उन्होंने ब्लॉक कर दिते ने एक सरकारी चैनल रहने दिता है ताकि यह मैसेज ना जाए कि उन्होंने भारत नाल टोटल डिप्लोमैटिक संबंध तोड़ रहे हैं। और इस तरह जदों उत्थों वाले कहिंदे ने कि बंगलादेश भी साढ़े हथों गया सो कुछ डिवेलपमेंट्स ने जिहड़ियां असीं मीडिया च देखते हैं कि भाई क्योंकि हसीना शेख ने कोई बयान नहीं दिता इहदे ते जदों हालांकि CAA उन्होंने पास किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो उहदा हल्का जिहा बयान आया हालांकि उन्होंने फॉरन मिनिस्टर ने अपनी इंडिया विजिट कैंसल कर दिती सी। पर बॉर्डर दे उत्ते की चलता है बंगलादेश दे नाल भारत दा एक रिपोर्ट जिहड़ी है दसदी है बंगलादेश रिपोर्ट्स इंडिया बॉर्डर फोर्स किल्ड 25 बंगलादेशीज दिस ईयर के अजय 6 महीने बीते ने जनवरी तो जून तक। और इस खबर के मुताबिक अरे ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है कि एटलीस्ट 25 बंगलादेशी सिविलियंस वर किल्ड बाय इंडियन बॉर्डर फोर्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2020। और ये जड़ा उन्होंने दी रिपोर्ट के मुताबिक जड़ा उन्होंने लेकिन अधिकार जड़ा एक होर ह्यूमन राइट ग्रुप है उन्होंने कहा कि भी BSF ने 45 बंगलादेशी मारे ने बॉर्डर से 17 जख्मी किए ने और 3 जड़े ने वो एबडक्ट किए ने। और उन्होंने कहा भी ड्यूरिंग दिस पीरियड BSF मैंबर एंटर्ड बंगलादेश एंड शॉट डेड एंड सैकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनी एनगेज इन एग्रीकल्चर वर्क। 16 साल का मुंडा जिसन शिमन रॉय का नाँ से बंगलादेश की सरहद जाके उन्होंने जोड़ा BSF ने मारे और इस सारे के उत्ते उन्होंने कहा कि भी असी बहुत सारे लैटर ऑफ प्रोटेस्ट भी लिखे ने। और दूसरा और इस गल का ध्यान रहे कि जे भावें 25 डेड मान लो जे दूसरी रिपोर्ट 45 की है कि 6 महीने वो देश जिन्हों भारत क्लेम करता है कि जी असी लिबरेट करवा दिता है और बंगलादेश की 4096 किलोमीटर सरहद भारत के नाल लगती है तुसी अंदाजा लाओ भी जिस तरीके नाल भारत ने अपने गुआंढियों नू हॉस्टाइल कर लिया है सारी बंगलादेश तो लगता है कि उत्थे तो इन्हां दी राह ने पूरा टिल ला के जिहड़ी उन्हां दी इहदी ऑपोजिट सी शेख हसीना ये मुजीबुर रहमान की डॉटर है जिहड़ा आलमोस्ट इंडियन करोनी सी और इस दे उल्ट जालिदा खालिदा जिया उसनों हराने लिए राह का ऑपरेशन से पूरा। लेकिन अज हालात ये ने कि इन्हों की इस किस्म का एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है कि ईवन बंगलादेश के कोल भी कोई चॉइस नहीं उन्हें पहले ही चाइना का जोड़ा बिल्डिंग एंड रोड इन इनिशिएटिव है BRI वह हिस्सा ने बने हुए और CPAC का हिस्सा जाहिर है कि उस दे नाल अल्टीमेटली BRI दे नाल ही जाके जुड़ते। सो ये एक फरदर टेस्टिमनी है कि किवें भारत और भारत ने ईवन बंगलादेश और नेपाल भी पूरी तरह गवा ले। हुण ब्रह्म चैलानी का अक्सर असी जिक्र करते हैं वो दो हवालिया नाल हुंदा है एक तो ये एसोसिएटेड प्रेस का रिपोर्टर सी June 84 के भारत के फौजी हमले के वेले दरबार साहब और 37 इतिहासक गुरद्वारों और जाहिर है कि इहदी जिहड़ी रिपोर्टिंग सी वह एसोसिएटेड प्रेस लई काम करदा सी उहदे थले इहनूं बेस्ट जर्नलिस्ट दा अवार्ड भी मिलिया। और जिहड़ी हिस्टोरिकल टेस्टिमनी है एक जर्नलिस्ट वल्लों कि किवें उत्थे सिखां नूं फड़ के उहनां दीआं पग्गां नाल ही उहनां दीआं बाहवां बन्न के पॉइंट ब्लैंक रेंज ते मारिया गया छोटे छोटे बच्चे बजुर्ग और जिहड़े कूड़ा ढोण वाले डंप ट्रक्स ने उहनां दे विच बॉडीज़ नूं लिजा के उन्होंने मिट्टी का तेल पा के साड़िया गया इसकी टेस्टिमनी है। सो उदों इहदे खिलाफ टाडा के थले जो टैररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट इहदे ते केस भी रजिस्टर किया गया सी और बड़ी किवें बचाया बचाया। लेकिन उस तो बाद उन्हें देखा कि भाई
जे हुण दरिया च रहना है तो मगरमच्छ दे नाल दोस्ती करनी पेगी और ये फुल कुछ साल बाद पूरी तरह हिंदुत्ववाद के रंग च रंगिया और उस किस्म दियां रिपोर्टां करन लग्या और उन्हें हुण ने कुछ साल तो एक जिहड़ा थिंक टैंक बनाया होया जाहिर है एजेंसियां ने किसी स्टेज पर बना के दिता होगा। लेकिन जो हाल भारत का हुण एक पासे तो भारतीय हाकमां वालों भी और मिलिट्री कमांडर्स की जिहड़ी है लैफ्टिनेंट जनरल इधरों तो उन्हां दा मेजर जनरल एक मीटिंग कल भी होनी है और पिछलियां जिन्नियां मीटिंग्स हुई और यह कहा गया कि जी 3-3 किलोमीटर दोनों फौजां पिछे हटनगियां हट रही ने डी एसकेलेशन हो रही है। पर जदों कोई भी उन्होंने ये पुछदा कि ये दसो कि इस कन्फलिक्ट तो पहला जिहड़ी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सी LAC सी कि चीन की फौज उत्थे चली गई है कि जिहड़ा उन्हां दी पोजिशन गलवान वैली च होए पेंगसोंग सू लेक होए वो चले उदों चुप कर जांदे ने। सो जाहिर है कि भी ईवन क्योंकि ब्रह्मचलानी उस सारे खिते बारे काफ़ी वेरवे नाल लिखदा है और उन्हें अज हिंदुस्तान टाइम्स दे विच उहदा कॉलम है जिहदे च उन्हें कहा चाइना मे विन विदाउट फाइटिंग कि जिहड़ा हुण जिहनूं इह डीएसकेलेशन भी कह रहे हैं असल दे विच इह सरेंडर है और ऑलरेडी बिना लड़िया चीन ने किवें जिहड़ा फरदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पुश करके इंडिया वाले पासे सुट के और यह भी पूछा जा रहा है भी जिहड़ा 3 किलोमीटर पिछे हटना है वो इंडिया जे अपनी उदी एरिया दे विच उदी फौज है पहला ही इहदा मतलब भी अपना एरिया अगों 3 किलोमीटर पिछे छड्डेगा तां ही बफर जोन होएगा क्योंकि चाइना ने तो जिहड़ा विच नो मैनज लैंड सी तो उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली गलवान वैली च भी बैठ गए और पेंगोंग सू लेक दे उत्ते आलमोस्ट जिन्नियां 8 फिंगर 9 फिंगर वो जिहड़ा एक कंपलैक्स जिहा मैटर हुंदा पर जिथे ये अगे पेट्रोलिंग करते उत्थे वो बैठ के चीने उत्थे जा नहीं सकते और इस आर्टिकल दा बिल्कुल उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग ऑन स्टेटस को एंटे इंडिया हैज़ हेल्प्ड क्रिएट ए न्यू स्टेटस को बीजिंग इज स्माइलिंग। उन्होंने कहा हूँ कि भी बजाए कि ये इंसिस्ट कर दे कि भाई उस दे उत्ते जाओ हूँ किवें जाण उस दे उत्ते जाण लई कहण जिवें असीं डिस्कस कीता सी कि इन्हां दे एक्सपर्ट कहिंदे ने कि 3-4 ऑप्शनस ने एक तो यह है कि भाई फौजी एक्शन करो उन्होंने वापस धोको तो उन्होंने कहा जी इम्पॉसिबल फिर दूजा यह है कि भाई नैगोशिएशन करो डायलॉग करो उदे राही हो उन्होंने कहा भी नो चाइना जड़ा है वो जिवें इन्हों का एक होर एक्सपर्ट है शायद प्रवीण साहनी उहदा नाम है वो कहिंदा है कि भाई फर्क है दोनों की चाइना और भारत के जड़ा कल्चरल और ईवन पोलीटिकल कि चाइना कोई भी करन तो पहला कोई भी एक्शन लैन तो पहला ब्रॉडर परस्पेक्टिव दे विच लॉन्ग टर्म और दूसरे उहदे की रिजल्ट ने वो मैप पहला बनांदा है फिर वो लोकल स्ट्रैटेजिक जां टैक्टिकल नुकत्यां ते देखदा है। तो उन्होंने कहा भी भारती क्योंकि मैं हमेशा ये सोचदा भी असी तां डंग टपाऊ लोग हैं उस खिते जिहड़ा सारा है कि भाई आप जदों को आ गया तो चख लो तो लोग भी उही मोनीटर कर रहे होंगे ने। तो उन्होंने कहा भी भारत की कोई प्लैन ज कोई तो होंगी नहीं डंग टपाऊ इन्हों की पहुँच होंगी है और यही कारण है कि भी जे चीन उत्थे आया तो चाइना ने स्ट्रैटेजिकली कैलकुलेट किया होया सी और ये उन्होंने एक होर जड़े एक्सपर्ट मैं प्रवीण साहनी की गल की है कि उदा कहना है कि भी हुण चाइना दूसरा यह है कि भी नैगोशिएट करो उन्होंने कहा भी चाइना तुसी नैगोशिएशन चो की कढ़ोगे क्योंकि उन्हों का तरीका ही यह है नैगोशिएशन भी जे तुसी ऑलरेडी डीएसकेलेशन चीकां तुसी मार रहे हो इहदा मतलब है भी तुसी डरदे हो जंग तो जे तुहानू सचमुच जिवें 56 इंच का सीना जां भारत माता और उसका कण कण उसका जर्रा जर्रा और उसका फलाना और उसका टिमका उन्होंने तुहाडी भारत माँ की गुत वढ ली है नहीं तो तुम कहते हो कोई नहीं बाल फिर उगाणगे कोई नहीं गुत लै जाओ तुम गलत यही है कि भी इन द एंड ऑफ द डे जे जिन्हों तुम कहते हो कि जी इस साड़ी माता दी इस हर जर्रा जेड़ा वो देवता है तो फिर तुम किन्ने जर्रे की मीलों तक किन्ने स्क्वायर किलोमीटर टैरीटोरी पहला गवाई पाठ दे विच और हुण जेड़ा उन्हों तुम मन रहे हो परमानेंटली कि भी ठीक है 3-3 मील का जोड़ा बफर जोन बना दौ उन्होंने तो ना गलवान वैली छड़नी है ना पेंगसोंग जोड़ा
ਲੇਕ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ 'ਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਕਦੋਂ ਫੇਰ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮੀਲ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਰਿਵਿਜ਼ਨਿਜ਼ਮ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਅਨਰਿਲੈਂਟਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਉਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਡਬਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਕਯੋਂਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਦਲਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ 3/4 ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬੀਜਿੰਗ ਟੂ ਲਹਾਸਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅਨਥਿੰਕੇਬਲ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਉਸੇ ਤੁੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀਜ਼ ਰਜੀਮ ਹੈ ਜਸਟ ਓਪਨਡ ਏ ਨਿਊ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਫਰੰਟ ਅਗੇਂਸਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਮਾਲੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਭੂਟਾਨ ਬਾਈ ਡਿਸਪਿਊਟਿੰਗ ਇਟਸ ਈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰਸ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਭਾਰਤ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ 2003 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ 1975 'ਚ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1977 ਕਿਉਂਕਿ 1975 'ਚ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20-21-22 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਹੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਔਰ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ 1842 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਚਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਟ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਹੈਵ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ 2017 'ਚ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਪਰ ਹੋਇਆ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਰਾਦਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਿਨਰ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੋਲਡਨ ਸ਼ੀ ਰਜੀਮ ਵਿਲ ਲਾਈਕਲੀ ਬਿਕਮ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਥਰੈਟ ਟੂ ਦਾ ਨੇਬਰਸ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਡੀਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਤਨਾਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੌਨਸਨ ਰੀਫ 1998 ਮਿਸਚਫ ਰੀਫ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ
और उन्होंने कहा कि भाई ये जड़े ने अल्टीमेटली बट द फ्रेश प्रोसेस बिकेम ए रूज फॉर पीएलए टू एनक्रोच ऑन टू न्यू इंडियन एरियाज द डेपसेंग वाई जंक्शन एंड गलवान वैली साइड। गलवान वैली का जिक्र ज्यादा हो रहा है, पेंगसोंग लेक का हो रहा है, लेकिन इसका शुरू शुरू च होया डेपसेंग वाई जंक्शन। पर इन्हें ब्रह्मचलानी ने देते भी क्या कि भाई ये गल इन्हू गोली कर रहे हैं कि भाई वो डेपसोंग दे विच भी आके बैठे हुए ने, और उन्होंने कहा भी इस सारे चो वेरवा दिता है कि मोदी ने दौरा किया, फिर कमांडर लैवल मीटिंग हुई, फिर मोदी के लद्दाख जाने तो बाद प्रभाव ही देने की कोशिश की गई कि पोलीटिकल अपनी क्राउड न कि एज इफ चाइना ने मोदी का उत्थे जाना देख के कंसैशन दिता। और जो तुम इन फेकू जे चैनल देखो वो तो कह रहे चाइना दुम दुमा के भागा, मोदी शेर के सामने चाइना का पसीना बग गया, और इस किस्म के टाइटल दे के वैसे भी अजकल वो लाइक्स लैन का ज बहुत होंगे वो इस किस्म के, पर बहुत सारे तुम इस किस्म के फेक लाइन देखोगे। और ये उन्होंने कहा कि भाई कला यही नहीं, ये ब्रह्मचलानी कह रहा कि मिलीटैरली ये एंड हुए ने, ईवन जिहड़ी उहदे जवाब दे विच इन्होंने ट्रेड दे उत्ते कुछ करन दा 59 ऐप्स बैन करन दा ड्रामा कीता, उन्हें कहा फार फ्रॉम इंपोजिंग मिलिट्री कॉस्ट इंडिया हैज शाइड अवे ईवन फ्रॉम ट्रेड एक्शंस अगेंस्ट द एग्रेसर एज इफ टू प्रिजर्व द ऑप्शन ऑफ अनदर मोदी शी समिट इंडिया स्टेप सो फॉर बैनिंग चाइनीज मोबाइल ऐप्स एंड अनाउंसिंग एन इंटेंट टू रेस्ट्रिक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट हैव बीन डिजाइन टू एसुएज पब्लिक एंगर एट होम बट विदाउट इंपोजिंग सबस्टेंसिव कॉस्ट ऑन बीजिंग और डैमेजिंग बायलेटरल रिलेशन। उन्होंने कहा कोई एक्शन है, उन्होंने कहा भी ये इन्होंने राह अजे भी मिलना है मोदी ने शी जिनपिंग काणा किया हो मिलेगा क्यों नहीं, पैसे खाधे हुए ने। और ये सारे सने सुब्रमण्यम स्वामी दे, वो भी कह रहे हैं तिब्बत का छोड़ो वो तो हो गया क्योंकि इसे गल दे ही पैसे ले हुए ने। और कुल मना के उन्हें कहा भी ये तो चज नाल लड़ना तो मिलीटैरली की सी, कोई ट्रेड के उत्ते जां दूजा भी जिहड़ा है वो नहीं कर सके। और उन्हें कहा भी ये चाइना ने इन्हें किया बाइट बाई बाइट चाइना हैज़ बिन निबलिंग अवे इंडियाज बॉर्डर लैंड कि इदा इदा करके हौली हौली जिहड़ा है जिन्हों कहिंदे ने कि भी वो विचों निकल निकल के उन्होंने इन्हों की सारी जो चूहे कुतरते हैं कुतर कुतर के लै लिया। और इस वेले हाल ये है कि भी हूँ चीन जिहड़ा वो स्माइल कर रहा है और वो कह रहा कि भी तुहानू असी जुत्तियां भी मारियां गड्ढे भी खवाए तो तुहाडी थां भी असी जिहड़ी है उस ते कब्जा कीता है। और यही एक स्टोरी इसे ही कॉन्टेक्स्ट दे विच कश्मीर न्यूज़ भी है कि गलवान वैली पुल बैक शिफ्ट्स एल ए सी बाई 1 किलोमीटर टू इंडियाज डिसएडवेंटेज, ये भी पूरी रिपोर्ट है कि भी ये किमें जड़ा PP14 लोकेटेड एरिया सी फॉर डेकेड जिथे भारत पेट्रोल करता सी, हुण जड़ी ट्रूप डिसएंगेजमेंट हुई है द एरिया नाउ फॉल्स इनसाइड चाइनाज बफर जोन, कि भी ये 1 किलोमीटर जी ऑलरेडी अपनी लैंड ची ये हूँ नो मैन लैंड बना रहे हैं, और जी एक्चुअली नो मैन लैंड सी वो चाइना ने ले ली है। हालांकि जुबानी कलामी इंडिया जरूर कह रहा है चाइनाज क्लेम्स ऑन गलवान वैली एग्जैजरेटेड इंडिया, कि जी ये वधा चढ़ा के उन्होंने क्लेम ने, पर गल ये है भी जे तुहाडे च ना हिम्मत है ना गट्स ने और ना ही तुहाडी विल है कि भी तुसी करना है तो हुण तुसी जुबानी कलामी कहो जी एग्जैजरेटेड है नहीं। और इस तरह एक स्टोरी होर बड़ी डिटेल च है साउथ एशिया जड़ा पब्लिकेशन च कि चाइनीज ट्रूप्स नॉट विदड्रॉइंग फ्रॉम पेंगोंग सो लेक एरिया एज इंडिया चाइना लुक टू डिसएंगेज। उन्होंने कहा जी हुण एक डेपसोड की असी गल की गलवान वैली, इंडिया कह रहा जी एग्जैजरेटेड, उन्होंने चाइना ने हुण तीसरा जड़ा उन्हें पेंगोंग सो लेक की गल करते हैं क्या एज फार एज पेंगोंग सो लेक एरिया इज कंसर्न देर हैज़ बिन नो मेजर डिसएंगेजमेंट मूव्स बाई द चाइनीज एंड दैट इज़ वट द रियलिटी इज। सो असी ये दस दईए कि भाई ये जी गल असी कल भी कही सी मालक नौकर वाली कि भाई तनखाह वधा दियो, नहीं तो नहीं तो क्यों कहा जी फिर मैं उस तनखाह से काम करता रहांगा। मैं क्लोजिंग तो पहला जी अपडेट है कोरोना वायरस की, टोटल केस इस वे दुनिया च
12,288,239 ने और मौतां 5,54,646 हो चुकी हैं। अमरीका दे विच 3 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस हो गया है, 3,01,94,164 मौतां ने केस ने और टोटल डेथ्स 1,35,414 ने। भारत जिहड़ा तेजी नाल इन्ने केस वध रहे ने कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी ने कल ये क्या सी असी शेयर भी किया कि किवें कि जे यही हाल रहा और कोई उदी वैक्सीन और ना हुई तो 2021 तक पहुँचते हैं रोज़ाना जड़े ने वो मिलियन तो ज़्यादा केस भारत दे विच होया करनगे। पाकिस्तान च भी भारत दे विच इस वेले टोटल केस 7,94,855 ने और डेथ्स 21,623 और पाकिस्तान दे विच 2,40,848 टोटल कोरोना पॉजिटिव ने और 4,983 डेथ्स ने। सो ये आज दी अपडेट है कोरोना दे हवाले। जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स ए सी अज दा मेन इशू जिस दे उपर डॉक्टर साहब ने अपने विचार थोड़े सारे नाल सांझे कीते ने, आई होप तुहानू सारे नूं पसंद आए होणगे। सो इत्थे लैणे आ ब्रेक। व्यूअर्स तुसां नाल इसे तरह ही बने रहना, मिलदे आ छोटे जे ब्रेक तों बाद। ये दो विचारधारावां विचाले टक्कर दी वार्ता है। ये किताब पुजारी दी समर्था ते तिखा प्रहार करती है। नास्तक विचारधारा वालियां वल्लों उठाए गए सवाल गुरु नानक साहब जी दे सवालां नाल बहुत मेल खांदे हन। फर्क इन्ना है कि नास्तक लोग अपने सवालां दे जवाब पुजारी कोलों पालते हैं, जबकि गुरु नानक साहब जी उन्हां दा जवाब सर्व व्यापक निश्चल हुक्म की अगवाई विचों रोशनांदे हैं। सोल एनमी ऑफ ए सिख ब्राह्मणिज्म इंग्लिश विच जां सिख दा इको वैरी ब्राह्मणवाद पंजाबी विच गुरप्रीत सिंह जीपी वालों लिखी किताब हुणे मंगवाओ जी। तुसी एमाजॉन बानज एंड नोबल जां फ्लिपकार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तों ऑर्डर कर सकदे हो। महान शहीदी दिहाड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल सिख सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क वालों पहले सिख बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर दे शहीदी दिहाड़े अते समूह सिख शहीदां दी याद विच शहीदी दिवस गुरुद्वारा संत सागर न्यूयॉर्क विखे 12 जुलाई 2020 दिन एतवार नूं मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम विच सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट तों भाई हरिंदर सिंह, चंडीगढ़ तों ज्ञानी अमरीक सिंह अते खालिस्तान अफेयर सेंटर दे संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह विशेष तौर ते हाजिरी लवाउणगे। आप सब सिख संगत नूं इस समागम मौके गुरु घर पहुंचण या लाइव प्रसारण राहीं जुड़न लई बेनती कीती जांदी है। वधेरे जानकारी लई आप हेठ लिखे नंबरां ते संपर्क कर सकदे हो। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो दूसरे सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह चीन कोलों कुट खा के जो भारत है पाकिस्तान नूं निशाना बनाउण लगा है, और जिस तरह के आपां इस सैगमेंट दे विच गलबात करांगे कि चीन कोलों कुट खाण तों बाद जो भारत वल्लों पाकिस्तान नूं फिर निशाने ते लिया जा रहा है अते यूनाइटेड नेशनज विच वी पाकिस्तान दे खिलाफ जो प्रोपेगंडा है वह किया जा रहा है, इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुनी तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, इस अहम इशू बारे तुसीं की कहना चाहोगे, की विचार ने इस बारे? देखो है तो यह इन्हां दी इक फ्रस्ट्रेशन है भारत की, क्योंकि जिवें चाइना ने ना सिर्फ इन्हां दी टेरिटरी दे उत्ते कब्जा कीता है, अखंड जिन्हों ये भारत माता दा हर जर्रा बड़ा मुकद्दस है कह के लोकां दे विच एक फालस नेशनहुड दे थल्ले भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र और ये सारा जहर भी फैला रहे सी और उन्हां नूं वर्कअप भी कर रहे सी। लेकिन जिथे भारत दा सो कॉल्ड मिलिट्री माइट उसनों उन्होंने इन्हों की जबान च कहना हो कि धूड़ चटाई है, टेरिटरी भी गवाई और इस सारे च दुनिया के जड़ी तोए तोए हुई, क्योंकि एक इस किस्म का ईगो बैलून इन्होंने आप ही उद्देश हवा भर भर के फैलाया होया सी कि सचमुच ही अपने आप नूं ये भलवान समझण लग गए। हुण
अल्टीमेटली तुसी जदों इस किस्म दा नैरेटिव सालां बदी बनाया होए उहदे सिर ते तुसी पावर च आए होवो। जाहिर है कि इन्हां ने जदों 5-6 स्टेटां दीआं असैंबलीज दी चोण होणी सी भारत दे विच ते इन्हां ने फर्जिकल स्ट्राइक लाइन ऑफ कंट्रोल दे उत्ते कीता कश्मीर च। उन्होंने कहा जी साढ़े गए कमांडो अद्धी रात नूं गए उत्थे उन्होंने टैरर कैंप डिस्ट्रॉय करते वापस आ गए और बड़ा बल्ले बल्ले जिहड़ियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतियां और वह सौदा विकिया बिल्कुल। हालांकि है ऐसा कुछ नहीं सी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल तो दोवें पासे हुंदा रहिंदा, वह भी इधर कर जांदे ने, यह भी उधर कर जांदे ने। फिर इन्हों का इन्ना हौसला वधिया कि भी इन्हों ने किवें अजीत रावल ने पुलवामा अटैक मैनेज किया और सारे फैक्ट सामने ने। दविंदर सिंह जिहड़ा ब्लू आइड बॉय सी जिहदे खिलाफ़ अजे तक भी चार्ज फाइल नहीं किए, जिहदी जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने इसलिए करती कि भाई ये जिहड़ा NIA नैशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कोई कहा ही नहीं है, जिहड़ा कि दो बंदियां नूं नाल लैके जिन्हां नूं लश्करे तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन नाल जोड़िया गया, नवें जिहड़ा एक IG लग्गा उत्थे उन्हें फड़ लिया और उन्हें कहा जी आपने जनाब बहुत बड़ी गेम खराब कर दी। सो जाहिर है कि ये पुलवामा का हमला भी इन्हों का दी साजिश सी और फिर उस दी आड़ विच जिवें इन्होंने बालाकोट फर्जिकल स्ट्राइक और उन्होंने देश भर दे विच वेचिया। हुण जिहड़ी इन्हों की समस्या बनी हुई है, बेशक मोदी का लद्दाख जा के जिहड़ा उत्थे ही बैठा है वो लेह दे विच ही और क्लेम करना जी वो फ्रंट लाइन ते गया, सारा झूठ सामने आ गया, अस्पताल भी कोई नहीं है। हुण इन्हां नूं ये लगता है कि भी बिहार दे विच चोणां होणियां ने, बंगाल दे विच होणियां ने, वड्डियां स्टेटां ने, क्योंकि इन्हां चों ही अल्टीमेटली 45-45 पंजाब जां MP भी आंदे ने और इस वेले इन्हां दा PR दे लिहाज नाल बेशक गोदी मीडिया जो मर्जी करे पर जो लोकां दे विच चल रहा है उसने इन्हां दा जलूस कढ़िया होया। और पिछले दिनां च असी UP दे हवाले नाल देखिया कि किवें एक क्रिमिनल पंडित दूबे के की उहदा नां उन्हें 8 पुलिसिए DSP समेत मार मुकाए और यह होया भी UP जिन्हां दी हकूमत, फिर यह भी सामने आया कि उन्हों शेल्टर देण वाले जां उहदी जिहड़ी पुश्तपनाई करन वाले वह BJP दे मिनिस्टर और उन्हां दे MLA ने। फिर यह होया कि जी हुण यह तां भेद खुलेगा क्योंकि एक पासे 1000 तो ज़्यादा एनकाउंटर बना के बेगुनाह मुसलमान और दलित UP च मारे ने कि ये गुंडा जड़ा इनू तो पाल ही BJP रहे से और हुण ने 8 पुलिसिए मार दते ने और किसी ने उन्होंने एको निहंग ने गुट वढ़ता सी तो किवें सारा वो #  शुरू हो गए प्राउड ऑफ पंजाब पुलिस। भी किसी ने नहीं कहा भी 8 मार दते VR with the UP पुलिस और किसी ने जड़ा उदी शर्मा गोत जां जोड़ के नहीं कहा कि भाई ये ब्राह्मण अतवादी। और अज जदों असी देख रहे हैं गलबात कर रहे हैं कि जड़ा ये मेन दूबे है वो मध्य प्रदेश च उजैन दे एक मंदिर दे बाहर मंदिर दे अंदर जा के फोटोआं भी लुआ रहा है और आप वो सद के गिरफ्तारी दे रहा है। हुणे सामने आया है और उन्होंने इस दौरान जिहड़े उहदे साथी सी दूबे दे 5-6 वो पिछले 2-3 दिन मार दते झूठे पुलिस मुकाबले करके फट के कि भी मूँह खोलणगे और अल्टीमेटली हुण वो मध्य प्रदेश उन्हें जाके इसलिए दिता कि अदरवाइज उन्होंने होना है कि भी मैनू इन्होंने वरत्या होया इन्होंने मैनू भी मार देना है। हुण घट्टो घट्ट खबर आने के नाल झूठा पुलिस मुकाबला बनाने के चांस घट गए हैं, एलीमीनेट नहीं हुए घट गए। सो मतलब यह है भी पर किसी ने नहीं किया कि जी उजैन मंदिर के विच दहशतगर्द लुके हुए ने जां यह तां दहशतगर्दी वो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश ही UP तो क्यों गया, राजस्थान वाल क्यों नहीं आया जिथे कांग्रेस की हकूमत, क्योंकि ये सारे ही कवर जिहड़े ने एक दूजे नूं करदे ने खुद दहशतगर्द ने। RSS दुनिया की सब तो वड्डी दहशतगर्द जमात है लेकिन हुण क्योंकि जिहड़ा इन्हां दा वो बनाया होया गुड्डा उत्ते इन्हां ने चाढ़िया सी उहदा बोकाटा हो गया तो इन्हां नूं कुछ ना कुछ चाहिए तो लै दे के, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जां मुसलमानां दे खिलाफ जिहड़ा नैरेटिव है वह तो एवरग्रीन है, वो तो इन्हां दी 1000 साल की साइको हिस्टरी नूं जदों मर्जी वह उभार के उन्हों जिहड़ा वो मुसलमाना दे नाल जोड़ दे। और ये अपॉर्चुनिटी जितों के लोग पूछ रहे हैं उन्होंने भी इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग पूछ रहे हैं कि दसो होया कि बॉर्डर ते किन्ना इलाका तुसी गवाया कित्थे तुसी पिछे हटे हो। हुण ईवन मैं लाइटर वेन च कहा सी मैं कहा जी पहला इन्होंने जिहड़ा अपने 20 मरे दे नाल चीन दे 140 मरे दसते सी, फिर किसी ने
80 क्या है तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी की अज देख रहा सी इंटरव्यू वो किसी अमरीकन का हवाला दे के कह रहा कि 122 मारे चीन के मैं क्या जो तक वो फिल्म अजय देवगन उन्होंने लॉन्च करना है उदों तक हज़ारों से नंबर पहुँचा देना उन्होंने हुण ये वेच रहे ने लेकिन समहाउ विक नहीं रहा इन्हों का सौदा और इहदा एक प्लेटफॉर्म किवें पाकिस्तान नू अगेन टारगेट करन दी लाइन यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टैररिज्म दा सैशन कल चल रहा सी और ये वर्चुअल जिहड़ा है वो हुंदी है उन्हां दी कॉन्फ्रेंस अजकल और इन्हों का एनवॉय है महावीर सिंह भी जिहड़ा इंडिया का जिहड़ा एनवॉय है इहदे उन्हें बड़ी बदबूदार तकरीर उहदे च कीती सिर्फ तो सिर्फ पाकिस्तान नू टारगेट करदे हैं और इन्हों मीडिया ने भी खबर लाई है इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूएन कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट टैरर आउटफिट्स दे कि यह है कि भी वो जेडे खुद दागदार ने जेडे खुद कालख दे कि जेडे रेंदे ही कोलियां दी खान च ने जिन्हों के है ही कोले ने वो दूसरों को कह रहे हैं कि जी ये काला है ये दागदार है और उदा सारा ही जरा पार्ट है वो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जरा इंटरनेशनल एपी सेंटर ऑफ टैररिज्म है उन्हों का दहशतगर्दी का सेंटर केंद्र है और उन्हें कहा जी द वर्ल्ड इज़ बैटलिंग ए वायलेंट पेंडेमिक टूडे बट एज पाकिस्तान्स नेबर वी एक्सपैक्टिड टू टेक सीरियसली द फाइट अगेंस्ट द ईवन मोर डिस्ट्रक्टिव वायरस ऑफ टैररिज्म इट मस्ट लुक इनवर्ड एंड फाइव अप टू इट्स कमिटमेंट्स एंड अबेंडन इट्स डिविजनरी टैक्टिक्स हुण जिहड़े खुद डिविजनरी टैक्टिक कर रहे हैं गुआंढियां ने इन्हां दे मूँह दे उत्ते जिहड़ा वो कालख अगों मल दित्ती आ बंगलादेश और नेपाल वर्गे मुल्क भी ये फिर पाकिस्तान नूं टारगेट करन दी लाइन है फिर उन्हें कहा जी ये जिहड़े दहशतगर्द ने साडे मुल्क दे विच वड़ रहे हैं एरियल सिस्टम राही जिहड़े वैपन समगल किए जा रहे हैं और ग्लोबली भी जिहड़ा ये इन्हां दा रोल है और उस सारे च हुण क्योंकि इन्होंने खालिस्तान या रेफरेंडम 2020 भी ISI नाल जोड़िया होया तो हुण जिन्होंने खुद सोशल मीडिया से हज़ारों की गिणती च अपने IT सैल के लोग बिठाए हुए ने और सवेर तो शाम तक ट्रोलिंग होए नफरत होए वो कह रहे हैं कि इनक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ पीपल ऑनलाइन एंड ऑन सोशल मीडिया हैज़ बिन टारगेटेड बाई टैररिस्ट टू डिसमिनेट मिस इनफॉर्मेशन थ्रू हेट स्पीचिज फेक न्यूज़ एंड डॉक्टर्ड वीडियोज़ फेक न्यूज़ दे भी तुसी पियो डॉक्टर्ड न्यूज़ दे भी तुसी पियो और हेट स्पीच तो कोई तुहाडे मुकाबले च खलो ही नहीं सकदा कोई क्वालीफाई नहीं करदा इस शील्ड दे लई जिहड़ी तुहानू जिहड़ी है मिली हुई है और इस किस्म दी जिहड़ी है नॉनसेंस लंबा है लेकिन इस सारे दे नाल मैं ये दूसरा पार्ट फिर उन्होंने इमरान खान नू टारगेट किया और इत्थे नहीं रुके जदों असीं ये कहिंदे आ कि पाकिस्तान दे नुमाइंदे क्यों नहीं UN दे विच खुल के खालिस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिखा दी जां भारतीय मुसलमाना दी दलितां दी दूजियां दी वो UN दे विच खलो के इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जिहड़ा है वो ये कह रहा है कि जिहड़ा है कि पाकिस्तान हैज़ टर्नड ए ब्लाइंड आई टू ह्यूमन राइट्स वायलेशनस इन बलोचिस्तान खैबर पख्तूनवा एंड टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इलीगली ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान फिर वो थले बाकियों का भी जिक्र हुण वो बलोचिस्तान भी विच ले आ रहे हैं जिहड़ा है वो सारे नू खैबर पख्तूनवा भी ले आ रहे हैं जम्मू कश्मीर भी ले आ रहे हैं जिहड़ी पाकिस्तान दे विचला आज़ाद कश्मीर है तो इन्हां नू कौन रोकदा है मैनू हैरानी हुंदी है कि भी इस सब दे बावजूद इन्हां दे मूँह कदे माड़ा मोटा कश्मीर का जिक्र जरूर करते हैं इस तो बियॉन्ड नहीं जाते और एक पासे तो ये उन्होंने अपना पूरा जहर का जिहड़ा टैंकर सी वो UN दे वेड़े च ले आके नफरत और जहर दा अगेंस्ट पाकिस्तान पर तुसी दूसरे पासे देखो कई बार ये हुंदा है भी जड़ा बच्चा डरिया हुंदा है और डर के बैठा हुंदा है तो उन्हों कोई आके भावें जूस पियाना चाहे घर दा ही जी तो वह फिर चीका मारन लग जाता वो आ गए आ गए आ गए वो क्योंकि खौफ दे विच बैठा हुंदा है हुण कुलभूषण यादव उहदा असी जिक्र कीता सी कल दीआं खबरां च सी कि जी जिहड़ा पाकिस्तान ने कहा भी उन्होंने चॉइस दित्ती सी कि डैथ सेंटेंस के अगेंस्ट वो अपनी जिहड़ी है अपील दायर करे जिहड़ी उन्हें नहीं कीते इंडिया ने कहा नहीं 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 ये बिल्कुल वो बड़े एक्सट्रीम दबाव सी 2 सितंबर 2019 मिले ही वॉज अंडर एक्सट्रीम प्रैशर और इन्हों मीडिया ने यह भी कहा जो वो नहीं करता
तो इंडिया नूं भी हक है कि इंडिया उहदे बिहाफ ते कर सकदा। हुण जदों इह गल सामने आई पाकिस्तान ने नाल दी नाल देखो वह तो हर हालत च टेंशन घटाउणा चाहुंदे ने। पाकिस्तान ने यह कहा कि जी ठीक है असी सैकेंड दिने उन्होंने कहा कि भी जे उन्हें पहली बार नहीं की कोई गल नहीं है असी उन्हूं जिहड़ा है दोबारा चांस देंदे हैं कि पाकिस्तान है ने ऑफर किया। और इहदे जवाब च इंडिया ने कहा और इन्होंने हैडलाइन लाई हुई है इंडिया सीज कंस्पीरेसी इन पाकिस्तान मूव टू ग्रांट सैकेंड कौंसलर एक्सैस टू कुलभूषण यादव। एक पासे तो अपील की गल है और अपील तो पहला इंडिया ये मंग कर रहा है कि साडा जिहड़ा कौंसलेट जनरल है पाकिस्तान दे विच उन्हूं मिलन की इजाजत दी जाए यादव नूं क्योंकि उस तो पहला 2 सितंबर 2019 नूं वो मिलिया सी पर उहदे च वी उन्होंने मिसबयानी की सी कि गलत बयानी कि जी बहुत प्रैशर। पर मैं समझदा वी पाकिस्तान दा बड़ा स्मार्ट मूव है उन्होंने कहा जी ऑल राइट दोबारा मिल लो तुहाडा कौंसलर। हालांकि इंडिया कह रहा जी देखो असी कदों की मंग कर रहे सी कि सानू कौंसलर एक्सैस दिओ पर पाकिस्तान ने नहीं दित्ती जिहड़ी हुण दित्ती है इहदे पिछे भी कंस्पीरेसी है। ये तो फिर उही है कि न्याणा चीकां मार रहा है भावें उहनू जूस का गिलास ही दे रहा भी वह आ गए आ गए। सो कुल मिला के इस दे उत्ते वह कह रहे कि यह जिहड़ा पाकिस्तान का ये ऑफर करना है ईवन जिहड़ा उन्हां दा सोर्सिस है न्यू दिल्ली बिलीव्स पाकिस्तान इज़ डूइंग दिस डेलीबरेटली एंड इज़ ए कंस्पीरेसी एज इंडिया एंड चाइना आर टेकिंग फर्स्ट स्टैप्स टूवर्ड्स डी एसकेलेशन ऑफ बॉर्डर स्टैंड ऑफ। भाई इहदा चीन और तुहाडे बॉर्डर स्टैंड ऑफ नाल की ताल्लुक है? तुसीं रौला पा रहे सी बार बार कह रहे सी जी कि असी मंगी सी सैकेंड कौंसलर एक्सैस सानू मिली नहीं। पाकिस्तान ने कहा जी असी ऑप्शन दिती है इहनू यादव नूं कि तू अपील कर। वह कहिंदा मैं नहीं करनी उन्हें नहीं की। चलो इंडिया गवर्नमेंट अपने बिहाफ से कर ले उन्होंने ये भी कंसैशन दिता नाल कहा जी ठीक है तुहाडा कौंसलर उन्हूं मिल ले। वह कहिंदे बहुत कंस्पीरेसी बहुत डीप है आ गए आ गए आ गए तुसीं की कर सकदे हो इस किस्म दी सिचुएशन। जी राज साहब तुसीं दूसरा इशू साडे दर्शकों नाल सांझा कीता अपने विचार साडे दर्शकों नाल सांझे कीते ने। सो इत्थे लैणे आ ब्रेक। व्यूअर्स विचारां दा सिलसिला इस तरह चलदा रहेगा। मिलदे हां आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। की तुहानू 30, 40 जां 50 दिन वेट करनी पै रही है तुहाडे चैक लई? फिर ब्रोकरां पिछे भजदे फिरदे हो पैसे लई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इदा तां जे तुसी अज ही पैसे लेने तां बॉब टेल नू कॉल करो। बॉब टेल तुहाडियां इनवॉइसिस सेम डे फंड कर सकते हैं फॉर अ स्मॉल फी नो कॉन्ट्रैक्ट नो रिजर्व एंड नो हिडन फीस। अज ही कॉल करो बॉब टेल नू ते तुहाडा पहला महीना फ्री। 410-204-2084 अगेन 410-204-2084। ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਿਹਚਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਲ ਐਨਮੀ ਆਫ ਅ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਬਾਨਸ ਐਂਡ ਨੋਬਲ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन अवर प्रोग्राम। सो थर्ड वाले इशू बारे आप गलबात कर रहे हैं। थर्ड वाले इशू की हेडलाइन है कि भारत एक हिंदू मुल्क बनने वाल बढ़ रहा है और स्कूलों में लग्या हिंदू पाठक्रम। सो मोदी सरकार वालों स्कूलों के सिलेबस में तब्दीली करके हिंदू तवी जो सिलेबस है वह लागू किया जा रहा है और जाहिर है कि भारत में एक हिंदू राष्ट्र एलानन वाल जो तेजी नाल पेशकदमी की जा रही है। सो इस उपर आप विचार चर्चा कर जा रहे हैं, डॉक्टर साहब कोलों दे विचार सुन जा रहे हैं। सो असी चाहवांगे कि तुसी साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे इस खबर बारे? देखो जिहड़ी नाजियां दी आइडियोलॉजी सी, नाजीवाद जिहनूं असी कहिंदे आ जां नाजीज़म, उहदा इक हिस्सा इह सी कि बच्चा जिहड़ा ईवन स्कूल गोइंग है यंग एज पॉसिबल, भावें 6 साल का है 7 साल का है, उस दे अंदर भी नाजीज़म जां वाइट सुप्रामिसिज़म जिहड़ी वाइट रेस की सुपीरियोरिटी है उस दियां वैल्यूज़ भरो और उनू इस गल लई अलर्ट करो कि भी जे उहदे घर दे विच वी उहदे मापिओ भी इस दे हमायती नहीं ने ते उह आके रिपोर्ट करे। और ऐसा होया भी, तो बहुत सारिया ऐसी उदाहरण ने जिदे च बच्चियां ने अपने मां प्यो नूं अपने रिश्तेदारां नूं जिहड़े नाजीज़म नालों डिफरेंट आइडियोलॉजी रखते सी उन्हां नूं फड़वाया। सो ये जिहड़ा पार्ट है कि भी जदों तुसीं और जे तुसीं RSS दा पार्ट देखो, असीं जदों बचपन दे विच देखदे सी कि साडे नाल ज़्यादा तां नहीं सी उदों जिहड़े हिंदू स्टूडेंट RSS दा हिस्सा, लेकिन हर क्लास च जे स्कूल दे लिहाज नाल असीं गल करिए ते 2-5% बच्चे जिहड़े ने, और मैं गल कर रहा 8-9 साल की उम्र की, कि उहदे चों उह रिक्रूट करदे सी। और इहनां दा इक विंग जिहड़ा स्टूडेंट विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उदों कोई बहुता पॉपुलर नहीं सी, स्टूडेंट यूनियनज लैफ्टिस्ट दियां सी, PSU पंजाब स्टूडेंट यूनियन जां जिहड़ी है इक SFI सी स्टूडेंट फैडरेशन ऑफ इंडिया, उह CPI दा सी। सिख स्टूडेंट फैडरेशन दा बहुता बेस नहीं सी, उह तां जदों संत भिंडरां वालियां दा उभार होया और भाई अमरीक सिंह प्रेजिडेंट बने उदों पंजाब दे स्कूलां कॉलेजां च रुझान आया। सो उस वेले बहुत सारिया स्टूडेंट आउटफिट्स जिहड़ियां ने उह कम्युनिज़म वाले जिहड़ियां पार्टियां सी उहनां दे प्रभाव थले सी, लेकिन इह साइलेंटली अपना काम करदे सी। और जिहड़े 8-9 साल दे बच्चे ने उहनां नूं इह हुंदा सी कि भाई तुसीं सवेरे 9 बजे उठ के इन्हां ने जिस मोहल्ले दे विच जां जिथे भी स्कूल सी उहदी कोई ग्राउंड है जां कोई होर छोटा मोटा कोई थां है उहदे च इकट्ठे हुंदे सी और उहदा उहनां दा इक हिस्सा सी उहनां दी प्रैक्टिस दा, हुण भी है, हुण तां हज़ारां नहीं लखां च उहनां दीआं शाखावां जिवें उहनां दा क्लेम है कि उह अपना जिहड़ा भगवा ध्वज है फ्लैग है उह सेंटर च गड़ दिंदे सी और हर जिहड़ा पार्टिसिपेंट है उहनूं खाखी निक्कर और चिट्टी कमीज़ उह प्रोवाइड करदे सी कि भाई जदों आउणा है तुसीं उहनूं शाखा कहिंदे सी कि भी तुसीं उहदे च आउणा है, उह पा के आउणा है, उह झंडे नूं जिवें हे हिटलर वाला हुंदा इवें करके वह करते। उदों शुरू च कई साल वह कुछ नहीं सी, उन्हां नूं कोई हिस्टरी नहीं सी पढ़ाउंदे, एक ए ट्रेनिंग सी, दूजा उन्हां नूं एक्सरसाइज वर्जिश ये वो। और मापिओ नूं भी हुंदा सी कि बच्चे साढ़े अदरवाइज तो सुते रहिंदे ने स्कूल जाण तक, जे सवेरे सवेरे जा के एक्सरसाइज कर हो जाती है इन्ना ही चंगा। कई जिहड़े भुलक्कड़ सिख भी भेज दिंदे सी अपने बच्चों, वो समझते सी एक्सरसाइज ही हो रही है, और कुछ थावां ते शाम नूं हुंदा सी स्कूलों आ के वो वड्डियां गैदरिंग्स होंदियां सी। फिर हौली 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 वो जिहड़ा साल 2 साल बाद फिर जिवें साल च उन्होंने एक दिन रख लेना, उन्होंने कहना ध्वज दिवस, ये फ्लैग डे है जिदन सारियां ने गुरु भारत माता दे लई गुरु दक्षिणा देनी है, वह भावें तुसीं अपनी पॉकेट मनी चो सेव करके दिता है जां किवें। सो ये ट्रेनिंग का हिस्सा सी। जे असी नाजीज़म का फैला देखते हैं जां जिस जील दे नाल उन्होंने अपने मुंडे फौज भेजे जर्मन दे विच जिहड़ा इन्ना दौर दौरा रहा, भावें 15 साल ही रहा, 1920 दे अखीर तो 1945 दा एंड हो गया, पर 15-16 साल लई जाहिर है कि जिहड़ा बच्चा 6-7 साल दा सी 20 च जदों इहनां दी शुरुआत होई वह जवानी तक पहुँचदे आ पूरी तरह नाजियां दे रंग च रंगिया सी और वह बड़ी जील दे नाल उह समझदे सी कि जो कर रहा है सचमुच ही देश की सेवा कर रहा है। हुण एक पार्ट ये है कि जिहड़ी इनडोक्ट्रीनेशन अंग्रेजी च कहिंदे ने
प्रोग्रामिंग भी आज दा सिंपल लफ्ज़ है कि तुसी उस किस्म दी पढ़ाई करवांदे हो। और साढ़े वेले भी जदों इंडिया नू अजे सैकुलरिज्म दे थले ही बेच रहे सी, तुसी तुहाडियां हिस्ट्री किताबां ने जां पोलिटिकल साइंस है जां उदों सोशल जिहड़ा साइंस दे नां थले सबजैक्ट हुंदा सी, समाजिक ज्ञान उहनूं हिंदी जां पंजाबी च कहिंदे सी, उदे जो तुसी हिस्टरी देखो, जे मैं सिक्खी दे हवाले नाल गल करां ते सिख धर्म दी कोई वक्री होंद नहीं सी। भगती लहर जदों उन्होंने डिस्कस करना, फिर उन्होंने पिछले सारे जिहड़े ने उन्हां तों शुरू करके भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, गुरु नानक, उन्हूं भगती लहर दी कंटीन्यूटी दस के ते भगती लहर नूं ब्रॉडर हिंदू थॉट का हिस्सा दसना। और इस तरह जे स्वतंत्रता की गल जिहदे लई आज़ादी लई स्वतंत्रता लफ्ज़ इस्तेमाल हुंदा सी तां उहदे च जिन्हां योधियां की गल होनी, जे गुरु गोबिंद सिंह साहब के उत्ते दो पैराग्राफ ने तो उस चैप्टर का ही हिस्सा होना, जिहदे च सब तो उत्ते छत्रपति शिवाजी, फिर महाराणा प्रताप और फिर गुरु गोबिंद सिंह। यानी यह है कि उस सारे नूं भी एक विंगे टेढ़े ढंग नाल हिंदुत्वा दे खाते च ही रख के होना। और बहुत सारे जे साडे घरां च धार्मिक माहौल ना हुंदा है, जां साडे पेरेंट्स ने इस गल नूं यकीनी ना बनाया हुंदा है कि 4-5 साल दी उम्र च हर बच्चे नूं जां बच्ची नूं गुरमुखी अक्षर पढ़ाने ने, जां घरां च तुहाडे अखबारां जां गुरमत दा लिटरेचर ना हुंदा, ते साडा वी हाल उही होणा जिहड़ा उत्थों हुण PhD करन वाले दूसरे तीसरे लोक ने, जिहड़े सचमुच ही मानते हैं कि भाई असी तां हिंदू धर्म की रक्षा लई बने, जां ये तां भगती मार्ग है, जां जिहड़े अज मंदरां च जाके भी टल खड़कांदे ने मुसलमान भी, उन्हां जावेद अख्तर जां दूजे तीजे लोक, उन्हां दे मैं फादर भी शायर सी, उहदी मैं नज़मां सुन रहा सी पोइटरी। सो जे जावेद अख्तर अज पुज के कायदे आजम जां पाकिस्तान की खिलाफत करदा है, उहदा प्यो जिहड़ा उह सोहले गांदा सी भारत माता दे। सो इह जिहड़ी ट्रेनिंग है, इनडोक्ट्रीनेशन है, फिर उहदे च उहनां नूं कोई फर्क नहीं सी पैंदा कि कोई मसीत भी जा रहा है जां गुरद्वारे भी जा रहा है, उहनां नूं इह सी कि हिंदुत्वा दे रंग च रंगे होए। लेकिन ईवन जदों दी RSS दे कोल हकूमत आई है, इहनां नूं इह जिहड़ी स्लो इनडोक्ट्रीनेशन है इह भी कबूल नहीं है। उहनां नूं लगदा वी इह जिहड़ा खत्म करो, इह विच्चों मकाओ सारा, इहनूं सिद्धा हिंदू राष्ट्र डिकलेयर करो, तिरंगा भी चुको, उही राष्ट्रीय ध्वज जिहड़ा प्रणाम करके जिहनूं गुरु दक्षिणा दवांदे सी उहनूं बनाओ, और वंदे मातरम नैशनल सोंग होए। इन्हां दे RSS हैडक्वार्टर च तिरंगा नहीं चलाया जाता, 15 अगस्त नूं नहीं चलाया जाता, और उत्थे जिहड़ा कदे जन गण मन नहीं पढ़िया जाता उहनूं भी ये राष्ट्रीय गीत नहीं मानते हैं। ये वंदे मातरम, वंदे मातरम का मतलब ही माँ भारत माँ, और ही देवी पूजा और जोग्राफी नूं तुसीं अपनी जिहड़ी है माइथोलॉजी नाल जोड़ के जिहड़ा उस नूं वेचो। और जिवें जदों दी इन्हां दी हकूमत बनी, किवें इन्हां ने जिहड़ा हिस्ट्री लिखवाण दे लई जाली हिस्टोरियंस दे बोर्ड बनाए, और वह सारा पार्ट अक्सर असी टाइम टू टाइम डिस्कस करदे। पर हुण COVID-19 दी आड़ दे विच यही नहीं कि इन्हां ने 40 तो ज़्यादा जर्नलिस्ट जां फ्रीलैंसर वो बुक कीते ने, जां सिख नौजवान जिहड़े ने वह उस लॉ दे थले जिहदे थले जे उन्होंने 13 बंदिआं नूं दहशतगर्द ऐलाने तो उन्होंने 9 सिख ने, 4 मुसलमान ने, और इस वेले ये जड़ा लॉ है उहदे थले किवें नौजवान, यह तो काम बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। मुसलमाना के खिलाफ वो सफूरा जरगर होए, जां जिहड़े जिन्हां ने CA के खिलाफ प्रोटेस्ट, जां सिख जिन्हां ने लंगर लाए उन्होंने खिलाफ भी केस चल रहे हैं। पर दूसरे पास की चल रहा है, एक खबर पिछले दिनों आई 2-3 दिन पहला सी कि चैप्टर्स ऑन डेमोक्रेटिक राइट्स, सैकुलरिज्म, सिटीजनशिप, 5-year प्लान ड्रॉप्ड फ्रॉम CBSE सिलेबाई फॉर हायर क्लासेस, क्लास 12 स्टूडेंट्स आल्सो वॉन्ट नीड टू स्टडी द चैप्टर ऑन इंडियाज रिलेशंस विद नेबर्स। हुण ये हुण CBSE सेंट्रल बोर्ड है जिहड़ा जिन्हां दी एक क्रेडिबल है पार्ट, जिन्हां दे जिन्हें CBSE दी हाई सेकेंडरी की हुंदी है उहनूं क्रेडिबल मन्निया जांदा है। हुण उन्होंने की किया साइलेंटली, जिहड़ा हुण एग्जाम इस बार होना है, ये चैप्टर जिहड़े ने उन्होंने सिलेबस चों ही कढ दित्ते, फुल चैप्टर्स ऑन डेमोक्रेटिक राइट्स, चैलेंज टू डेमोक्रेसी, जेंडर, रैलीजन, कास्ट एंड सैकुलरिज्म स्टैंड ड्रॉप्ड फ्रॉम द सिलेबाई
फॉर द CBSE क्लासिज 9 to 12 दिस ईयर। 9वीं तो 12वीं तक दी हुण तुसी देखो किहड़े चैप्टर ड्रॉप किए ने जिहड़े इन्हां दी मनु समृति जां हिंदू थॉट दे कॉन्ट्रेरी रन करदे ने जां उन्हां नूं इह लगदा है कि भी इह हिंदुत्ववाद दे जिहड़े स्टूडेंट इह पढ़नगे उन्हां दे दिमाग थोड़े बहुत खुलणगे और कल नूं साडा उह इह जिहड़ा ऊणा है और बिल्कुल काणी विचारधारा उहनूं एक्सैप्ट नहीं करनगे। फुल चैप्टर फुल और उहदे च पहला है डेमोक्रेटिक राइट्स, क्योंकि हिंदुत्ववाद तां ब्राह्मण क्षत्री वैश्यूद नूं उस धर्म दे विच रख के देखदा है, ब्राह्मण दे ही सारे राइट ने, किसी होर दे तां राइट ही नहीं है। सो तुसीं कहड़े टाइम जे जे 11वीं 12वीं दा स्टूडेंट जिहड़ा 15-16 साल दा है वो डेमोक्रेटिक राइट पढ़ेगा, वो तुहाडे हिंदुत्ववाद दे इस सिस्टम नूं चैलेंज करेगा। दूसरा चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, हुण जाहिर है कि भाई उहदे च मैनशन होएगा कि भी वो किहड़े तरीके हुंदे ने जिहदे नाल जमहूरीयत खतरे च आ जांदी है। तो ये तो जमहूरीयत नूं घोल के पी गए ने, ये क्यों उन्हां नूं पढ़न देणगे। जेंडर, हुण जेंडर दे विच जिहड़ा डेमोक्रेसी और दूजे की गल करेगा, मर्द और औरत बराबर ने, दोनों नूं वोटिंग राइट है, पर इन्हां दा तां जिहड़ा इन्हां ने संविधान बनाना मनु समृति का उहदे च तां औरत का रुतबा शूद्र दे बराबर है, उहनूं जनेऊ पाउण का हक नहीं है। जिहड़ी तुलसी रामायण जिहड़ी COVID-19 च इन्हां ने रामायण और महाभारत सीरीयल ही दिखाया लोगों को, तो जिहड़ी रामायण दे विच बैठे गोस्वामी तुलसीदास जिहड़े कहिंदे ने कि ढोल ढोर शूद्र और नारी चारों ताड़न के अधिकारी, कि ढोल भी कुटिया जाता है, पशु भी कुटण दे लायक है, औरत नूं भी मारो कुटो और शूद्र ये हकदार ही इस गल दे ने। तो हुण जेंडर इक्वैलिटी जे पढ़ाणगे तो फिर ये गोस्वामी तुलसीदास का दोहा तो नहीं किसी ने इस दे उत्ते अमल करना या इस नूं मनना। रिलीजन, हुण रिलीजन तो पढ़ाण जे हिंदुत्ववाद तो बिना किसी होर नूं ये रिलीजन मनदे हो। कास्ट, हुण कास्ट सिस्टम च जा रहे होएगा कि भाई शूद्रां दे नाल की सलूक कीता है की नहीं कीता। एंड सैकुलरिज्म, तो सैकुलरिज्म दा तां उहनूं तां इह जोक कहिंदे ने, सो इह पूरी खबर है कि भाई इह जिहड़ा सारा है और 5-year प्लान पोलीटिकली, क्योंकि नहरू ने बनाई सी और इन्हां ने इह हर चीज़ जिहड़ी माड़ी मोटी भी जिहनूं सैकुलरिज्म कह लो जां नहरूवाद कह लो उहदे नाल जुड़दी है उहनूं भी सारा कट ऑफ करना है। एंड इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर्स डिलीटिड फ्रॉम द कोर्स बुक फॉर एकेडेमिक ईयर 2020-21। हुण एक चैप्टर है कि भारत दे अपने गुआंढी देशां नाल संबंध, हुण की दसण कि चीन तो अपनी जमीन गवाई, पाकिस्तान तो भी जुत्तियां खाधियां बालाकोट की आड़ दे विच जो दिलवधी की, बांग्लादेश श्रीलंका केड़ा गवांडी रह केड़ा गया। सो कुल मिला के जो इस दे उत्ते रौला पिया और ओपोजिशन ने भी माड़ा मोटा इहदे ते किया, तो नाल दी नाल ही उन्हां दा जिहड़ा है वह बयान आ गया, रिडक्शन इन सिलेबस बीइंग इंटरप्रेटेड डिफरेंटली मूव ओनली फॉर वन टाइम मेशर। CBSE बोर्ड ने नाल दी नाल कहने नहीं इको बार किया 2020, लेकिन अज जो मैं एक स्टेटमेंट इहदी जिहड़ा ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट मिनिस्टर है जिन्हां दे थले ये सारे सिलेबस आते हैं बयान है, ये है रमेश पोखरियाल, क्योंकि मोदी ने आप ही सारी मिनिस्ट्री उ रन करता है, किसी का नाम ही किसी नहीं चेते, किसी का नाम लै दो पुछो कि मोदी तो बिना कौन मिनिस्टर है, किसी किसी का याद नहीं। अमित शाह माड़ा मोटा वो बदशकल जहा जो नज़र आ जाता है, उन्होंने कोई कह सकता कि भाई ये कातलों की जोड़ी है वो दूजे। हुण ये जिहड़ा मिनिस्टर है जदों इहदे ते उठिया कि भाई आ तुसीं की कर रहे हो, वह कहिंदा है लैट्स लीव पॉलिटिक्स आउट ऑफ एजुकेशन, HRD मिनिस्टर ऑन सिलेबाई एक्सकर्शन, उन्हें कहा जी ये इस मामले सियासत ना की जाए। हुण जिहड़े स्कूल सिलेबस नूं सियासत की भेट चाढ़ के यंग जिहड़े बडिंग माइंड्स ने मुंडे कुड़ियां 16-17 साल के 10वीं तो 12वीं तक यही उम्र गैप हुंदी है, उन्हां नूं तुसीं हिंदुत्ववाद दी टनल विजन दे विच सुट रहे हो, उन्हां नूं ईवन ये भी नहीं सोचण दे रहे भी उन्हां दे गवांढ च कौन वसदा है, उन्हां नाल तुहाडे की रिश्ते ने, जेंडर इक्वालिटी की है, डेमोक्रेसी की है, चैलेंज टू डेमोक्रेसीज की ने, कास्ट सिस्टम की है, और वह कह रहे हैं लैट्स लीव पॉलिटिक्स आउट ऑफ एजुकेशन, कि इहदे च असीं सियासत ना करिए। और इस किस्म दे नॉनसेंस नूं मैं अगे की डिस्कस करना है, और मैं ये दस दिता है कि भी ये है, सिर्फ ये नहीं है, बहुते समझते हैं जी कोई नहीं हिंदू राष्ट्र होएगा, कोई नहीं तिरंगा नहीं दूजे नूं आ है, तुहाडे
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਹੇਗਾ ਇਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Are you tired of property violations, ECB court hearings wasting your time? AM Expediting Drafting and Design is the solution for your problems. AM Expediting Drafting and Design offers services that range from architectural drawings to expediting services to DOB, FDNY, and other agencies. Or visit their location at 116-15 Myrtle Avenue in Richmond Hill. Call AM Expediting Drafting and Design now at 718-725-0059. ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਨਿਹਚਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਲ ਐਨਮੀ ਆਫ ਏ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਬਾਨਸ ਐਂਡ ਨੋਬਲ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੇਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧੱਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇਂ ਗਿਆ ਵੋ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਤੋਂ ਆਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਧੱਜ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ 1988-99 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੌਰ
उस तो बाद कंप्लीट सिविल लहर का आया जिद के छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के बच्चे बच्चियाँ उन्होंने टैंकों पत्थर मारे मुकाबला तो की कर सकते सी और जाहिर है कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल जिन्हें हजारा बच्चे बच्चियों नाबीने बना दिता और मैं इसकी गल कर तो पहला बुरहान वानी की गार्डियन दे विच एक आर्टिकल जिहड़ा दो दिन पहला अपीयर होया हाला उन्हों मैं डिटेल डिस्कस करना चाहुंदा सी पर मैनू अज लगदा है कि भी ये मिर्जा वाहिद ने लिखे 8 नवंबर की ट्यूजडे दे हवाले नाल है तो पुराने लेकिन यह सी कि इंडियाज क्रैकडाउन इन कश्मीर इज दिस द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास्ट ब्लाइंडिंग कि जे हुण असीं मास किलिंग्स की गल करते हैं दुनिया च मास ग्रेव्स की गल करते हैं पंजाब के हवाले नाल असीं मास क्रीमेशंस की गल करते हैं जसवंत सिंह खालड़ा जिन्ह ने जड़ियाँ मास क्रीमेशंस कीतियां पंजाब के 3 शमशान घाटा का डेटा कढ के उन्होंने साबित किया कि 25,000 तो ज़्यादा नौजवान पंजाब के अड अड शमशान घाटा 1992 तो 1994 तक अणपछातियां लाशां कह के साड़ दिते गए मास ग्रेव्स कश्मीर च भी ने बोस्निया के हवाले नाल हुंदा है बहुत सारिया थावां का जिक्र हुंदा है लेकिन ये पहली बार बेशक गार्डियन ने पहला छापिया हुआ आर्टिकल है पर उदे च है कि इंडियाज क्रैकडाउन इन कश्मीर इज दिस द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास ब्लाइंडिंग जिन्नी मास किसी स्ट्रगल दे विच ब्लाइंडिंग्स हुई हैं वो कश्मीर वादी तो बिना मैनू नहीं लगता कि दुनिया के किसी खिते च भी पैलेट गन्स इन्नी बेकिरकी दे नाल फौज ने इस्तेमाल कीती हैं कि हज़ारों की गिणती दे विच जिहड़े ने बच्चे बच्चियां वो नाबीने हुए सो जाहिर है कि एक पासे पहला शांतमई तरीके नाल कश्मीरी इस गल दे उत्ते बैठे रहे यकीन करते रहे जदों नहरू इस केस नूं यूएन सिक्योरिटी कौंसल च लैके गया कि प्लेबिसाइट होएगा रायशुमारी होएगी सानू हक मिलेगा वो नहीं चलिया मौके आंदे गए इस किस्म का भी और ये नहीं है कि भी पाकिस्तान ने भारत दे नाल नॉर्मल रिलेशन्स करन दी कोशिश नहीं की बहुत सारयां नूं अज ये गल बड़ी अजीब लगेगी कि 48 तो बाद 7 साल बाद 1955 दे विच लाहौर दे विच भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुंदा और कोई पाबंदी नहीं है किसी के आन जाण ते हज़ारा लोग जिहड़े ने वो पाकिस्तान जांदे ने लाहौर जांदे ने क्रिकेट मैच इन थाउजेंड्स बिल्कुल और फिर गल इत्थे नहीं मुक्की 1955 ही वो साल है जदों के रिपब्लिक डे परेड के मौके 26 जनवरी की जिहड़ी परेड हुंदी है पाकिस्तान का प्रेजिडेंट जिहड़ा वो चीफ गैसट सी दिल्ली दे विच रिपब्लिक डे परेड ते 1955 जदों के वाटर इशू भी चल रहा सी कश्मीर दा यानी ये है कि पाकिस्तान की हकूमत ने इहदे बावजूद भारत ने ज्यादती की जिहड़ा 70 करोड़ जिहड़ा रिजर्व बैंक जिहड़ा बैंक च पिया सी उन्हां नूं देना सी 20 करोड़ दे के इन्होंने कश्मीर के हवाले नाल रोक लिया सी जिहदे ते गांधी ने इनसिस्ट किया भी बाकी भी दिओ वर्त रख लिया सी उहने जिहड़ा एक उदा नोबल एक्ट असीं कह सकदे लेकिन इहदे बावजूद मैं समझदा भी ये विजनरी मूव होएगा कि 1955 च उन्होंने कहा भी आ जाओ तो इन्होंने भी नहरू सी जाहिर है प्राइम मिनिस्टर लेकिन फिर इस तरह असं 1962 देखते हैं कि भाई चाइना जिहड़ा इन्हां नूं सबक सिखांदा पाकिस्तान कोल अपॉर्चुनिटी सी कि अगे स्टैप जा के कश्मीर कढ दिंदा फिर भी उन्होंने वेट किया कि भाई चलो प्लेबिसाइट होएगा प्रॉपर ढंग नाल कश्मीर ने आना तो साढ़े वाल ही है उदो अजे थर्ड फैक्टर की गल तो नहीं सी हुई हुई और इस सब के बावजूद 65 के विच ठीक है पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टार करके बट वो भी इक्वल फुटिंग के उत्ते एंड होया सी कि भाई इन रिजोल्व कर लो ताशकंद समझौते थले इन्होंने 1971 जो करतूत की जाके और जाहिर है भी ओवरनाइट तो नहीं हुई 65 तो बाद लगे रहे उत्थे बंगलादेश उस तो भी पहला लगे रहे होंगे लेकिन कश्मीरी वेट करते रहे सबर दे नाल और फाइनली 1900 जदों पंजाब जून 84 होंदा है सिंह हथियार चुकते हैं सन पिंडरांवाले के रूप च एक चैलेंजर जिहड़ा सिस्टम दे सामने छाती ताण के खलोंदा और शहीदी पाउंदा ये गल कश्मीरियों भी हौसला दिंदी है और अज जे असीं बहुतियां नूं कहीए कि भाई उत्थे सिखां नूं दहशतगर्द बना रहे हैं जिन्हां दे घरां चों कोई
ਈਵਨ ਪੀਲਾ ਪਟਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਇੰਸ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਢਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 1988-99 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਸਮਝਾਉਣ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਜੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਢਿਮਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਪੀਸਫੁਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਦੂਜਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਕੋਈ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ। ਔਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਹਾਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬੋਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਪ ਪਿਆਉਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਸ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤ ਡਰਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੱਸਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨਵਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਲਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਂਗ ਟੇਕਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਜ਼ ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਲੀਡਰ ਗਿਲਾਨੀ। ਲੈਟਰ ਹੈਜ਼ ਆਸਕਡ ਪੀਪਲ ਟੂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਏ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਔਨ ਜੁਲਾਈ 8। ਪੁਲਿਸ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਟਸ ਡਾਊਨ ਔਨ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀਜ਼ 4th ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਵਾਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਨ ਦਾ 4th ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਇਨ ਏ ਗਨ ਫਾਇਰ ਇਨ ਸਾਊਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨ 2016। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਵਾਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਦ J&K ਪੁਲਿਸ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੇਫ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕਲੇਮਿੰਗ ਦੈਟ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਾਲਡ ਬਾਈ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਗਿਲਾਨੀ ਵਾਜ਼ ਫੇਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਹਿਜ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੋਪਸ ਰਿਮੇਨ ਸ਼ਟ ਔਰ ਦਿਸ ਔਰ ਇਨ ਸਾਊਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਏ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਵਾਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਜ਼
ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੱਜ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਕਤਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਗਲ ਛਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟਰਗਲ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੂੰਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ 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 ਔਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਸਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ ਸਲੋਕ ਨੰਬਰ 53 ਔਰ 54 ਟੋਟਲ 130 ਸਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਛੱਪੜ ਗੰਦਾ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰੋਵਰ ਸਰਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਸੱਚਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਰੰਗ ਮੇਲੇ ਛੱਪੜ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ ਛੱਪੜ ਢੂੰਡੈ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੈ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਛੱਪੜ ਢੂੰਡੈ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਚਿੱਕੜ ਡੂਬੈ ਹੱਥ ਤੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਬੜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਲਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਲਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਫਰੀਦਾ ਨੰਡੀ ਕੰਤ ਨਾ ਰਾਵਿਓ ਵੱਡੀ ਥੀ ਮੁਆਸ ਧਨ ਕੁਕੇਂਦੀ ਗੋਰ ਮੈਂ ਤੈ ਸਹਿ ਨਾ ਮਿਲਿਆਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਫਰ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨੱਢੀ ਅਤੇ ਨੱਢਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਮੁਟਿਆਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੋ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੱਢੀ ਨੂੰ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਗੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹ ਨੂੰ ਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
क्यों गाली क्यों व्यर्थ गवाई क्यों नहीं रब की याद नूं किया। उन्होंने फरीदा नंडी कंत ना रावियो वड्डी थी मुयास कि जवान स्त्री ने जड़ा वो अपने प्यारे नूं नहीं माणिया तो फिर जदों वड्डी हो गई वह भी उही हालत रही मुयास फिर वह मर गई। धन कहती गोर में गोर कबर नूं कहंदे ने धन इस्त्री नूं कहंदे ने कि भाई ईवन कबरां दे विच पई भी वह इस्त्री जिहड़ी है चीकां मार रही है कूक रही है धन कहती गोर में तै सह ना मिलियास कि मैनू मेरा पति मेरा प्यारा मेरा शौ क्यों नहीं मिलिया। सो ये साढ़े लई असल च सुनेहा है बाबा फरीद जी का कि जिसनू भगत कबीर जी के शब्दों में अक्सर दोहरांदा है कि कल करे सो आज कर आज करे सो ताल पाछे कछु ना होएगो जो सिर पर पहुंचियो काल कि जो तू कल करना है वो अज कर जो अज करना है वो हुणे कर। जदों सिर दे उत्ते मौत आ गया मलकुल मौत आ गया जमदूत आ गया जमराज आ गया जो मर्जी ना रख लो मतलब यह है कि जदों अखीरले साह दे विच तुहाडा खात्मा आ गया तो फिर तुहानू पछताना पएगा। सो वक्त जाया ना करो जदों उद्दम करिंदयां जियो तू कमावदयां सुख पुंछ ध्याएंदयां तू प्रभु मिल ता नानक उतरी चिन्ह। जे उद्दम करना पैंदा है उत्साह करना पैंदा है ये नहीं कहे जी सब रब दे भाणे च भाणे का मतलब ये नहीं है रब ने तुहानू ठीक ते गलत की अकल दिती है तुहानू चंगा नरोआ बनाया और यह उद्दम करो कि उद्दम करेंदे जो और जी कमाई करो रब की याद की और जदों तुसी उदे ध्यान च जुड़ोगे उदे याद च जुड़ोगे तो नाल ध्यानदा उदा सुख मिलेगा और उदे जदों नां नूं कमाओगे तो नानक उतरे चिंत फिर किसी किस्म का फिक्र फाका चिंता एंगजाइटी डिप्रैशन डाउन डाउन स्पिरिट ये कुछ नहीं होएगा। फिर कोई पूछेगा की हाल है चढ़दी कला क्योंकि रब दे बंदियां दी दुनिया च कोई टेंदी कला नहीं होंदी चढ़दी कला हमेशा चढ़दी कला च हुंदे ने और असीं तवक्को भी करांगे कि साडे सारे प्यारे दर्शक हमेशा चढ़दी कला विच रहन। जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं अज्ज आईएमई शो ते अज्ज दा विचार साडे दर्शकां नाल सांझा कीता। आस करदे हां कि साडे दर्शकां नूं इह सारा प्रोग्राम है अज्ज दा पसंद आया होएगा। सो इत्थे लैणे अपने व्यूअर्स कोलों इजाजत। व्यूअर्स साडे प्रोग्राम दा समां इत्थे समाप्त हुंदा है। तुसीं अपनी राय ते सुझाव सानूं भेजना भुलना साडे इस पते ते sosatv84.tv ते असीं अपना प्रोग्राम लै के फिर दुबारा तुहाडे सन्मुख होवांगे। तद तक लई मैनूं ते अपना डॉक्टर सुना गया दो देखते रहो TV84 बुला दिओ फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।